वीडियो में हम दोबारा मुड़ गए, हटा इसको वीडियो, कांड इसको बोल देना तू। हेलो फ्रेंड्स, आज अभी ये हो गया, मगर ये समय। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं Hyundai Creta पेट्रोल टॉप मॉडल, जो जिसका वेरिएंट है SX, और ये पेट्रोल है, नेचुरली एस्पिरेटेड। इसके अंदर ये जो गाड़ी हमारी 6300 के लमसम चल चुकी है, तो इसकी अब MID है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको हम बोलते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसका जो आपको टोटल दिख रहा होगा लेफ्ट साइड के अंदर, हमको सबसे लेफ्ट कॉर्नर में मिलता है हमारा टेम्परेचर गेज, उसके जस्ट पास में है हमारा RPM मीटर, और राइट साइड के अंदर हमको बीच में MID मिलती है, और राइट साइड के अंदर हमको मिलता है हमारा स्पीडोमीटर, और उसके लास्ट में राइट कॉर्नर के अंदर हमको मिल जाता है फ्यूल वाला। तो इसके अंदर जितने भी हमारे सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह के सिंबल वगैरह हमको MID जस्ट देखने को नीचे देखने को मिलते हैं, लाइट वगैरह के सिंबल जो हमको ऊपर देखने को मिल जाते हैं इस जगह पे, कुछ कुछ ऐसे ऊपर नीचे दिए हुए। और अब बात करें अगर MID की, जैसे आप इनकी जो कंट्रोलिंग हमको मारुति वगैरह की तरह या टाटा की तरह नॉब नहीं दिए हुए, यहाँ पे हमको स्टीयरिंग में दिए हुए, क्योंकि टॉप मॉडल है, और तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में, तो हमको मिल जाते हैं हमारे ऑडियो के कंट्रोल्स, और राइट साइड में मिलते हैं हमको क्रूज कंट्रोल प्लस इस MID के कंट्रोल्स। तो MID कंट्रोल्स के बारे में भी बात करेंगे, तो इनसे कुछ पार्ट्स जो ऊपर नीचे होते हैं, ये हमारा क्रूज कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है, ओके वगैरह यहाँ से होगा और ऊपर नीचे यहाँ से होता है, और ये प्लस मैंने जो दिया हुआ है क्रूज कंट्रोल के लिए दिया हुआ है, तो याद हमारे काम नहीं आएगा। अब चलते हैं MID की तरफ। तो MID में सबसे ऊपर जो हमको दिखा रहा है अभी, वो दिखा रहा है कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब 96 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल सकती है अभी भी। फ्यूल इकोनॉमी है, फ्यूल इकोनॉमी हमको नीचे दिखा रहा है एवरेज की, जस्ट नीचे कि 10.7 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज हमको दे रही है। और इसके बाद में नीचे आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिख रहा है वो है टेम्परेचर, और राइट साइड में हमको मिल जाता है ओडो। अब चेंज करते हैं इसको, हम कुछ नहीं करना है, एक बार नीचे करना है इस जगह पे बटन को, तो MID में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ अलग इन्फो दिख रही है, तो ये ट्रिप हो गई, इसकी ट्रिप के अंदर आपको दिख रहा होगा। इसमें एक अच्छी चीज़ है, वो भी इसमें साथ में दी हुई है, कि सबसे ऊपर तो हमको किलोमीटर दिखा दिए, सेकंड नंबर हमको कितना माइलेज है गाड़ी ने वो बता दिया, और थर्ड नंबर पे हमको कितने टाइम आपने गाड़ी चलाई, जैसे इसमें 99.51 आवर्स गाड़ी चल चुकी है, उसके अंदर आपके इतने किलोमीटर हुए, इतने का माइलेज अपने को मिला है। इसकी एक अगर हम बात करें लंबे रन की, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन वाला, ये क्या होता है, 100 घंटे होने के बाद में अपने आप वापस रिसेट होकर मतलब जीरो पे आ जाता है, 99.99 के बाद में डायरेक्ट जीरो पे आ जाएगा, मतलब वापस स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा पटी सी चीज़ है, तो छोटे ट्रिप के लिए बेटर है, मतलब 100 घंटे से अगर कम में चलाते हो तो उसके लिए बेटर है, अगर लंबा आपको नाप नाप रहे हो कि हाँ मैं सर्विस टू सर्विस नापूंगा, तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा। इसके अंदर अपने को जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमने इसको स्टार्टिंग से रीसेट ही नहीं किया, बट हिसाब से तो होना चाहिए हमको टोटल किलोमीटर के साथ में टोटल टाइम बताना चाहिए, बट वो चीज़ हम चेक ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमको ड्राइव इन्फो नाम से आता है, तो इसमें टोटल जो हमारी जो तीन चीज़ें वो फिक्स रहती हैं, सबसे ऊपर जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला है, और नीचे टेम्परेचर, और साथ में हमारा ऑडो है वो फिक्स रहेगा, उसके अलावा बीच की जो डेटा है वही चेंज हो रहा है जैसे आप देख रहे हो। ये है रियल टाइम इन्फो, जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे, आप एक ड्राइव में कितनी चला रहे हो उतना सा बताता है, तो कितने किलोमीटर आपने गाड़ी चली, जैसे मान लो भी मैं गाड़ी चला के आया था 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर शो कर देगा, कितनी फ्यूल इकोनॉमी दी इस 5 किलोमीटर में वो बता देगा, और साथ ही कितना टाइम में आपने गाड़ी 5 किलोमीटर कवर की वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब एक बार आप में कितना घूम के आपको बता देगा एक बार के अंदर ही, आपको अलग से मेजर करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे वापस जाते हैं, तो यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है Hyundai की मेरे को, कि वो MID के अंदर स्पीड कब पे देते हैं, कि ऑलरेडी वैसे एनालॉग में हमको दी हुई है स्पीड, बट इसके अंदर डिजिटली भी हमको स्पीड शो करती है, तो वो बड़ा मतलब कूल सा फीचर है, देखने में मज़ा आता है। i20 वगैरह के अंदर भी हमको देखने मिलती है, तो बड़ा मज़ा आता है। प्लस ये MID जो है हल्की भी मैट फिनिश में, मतलब इसके ऊपर है, ये रिफ्लेक्शन नहीं मारती है, तो ये अच्छी चीज़ है। ये मतलब अगर शाइनी होती तो थोड़े चलाने में टाइम पे आपको ढंग से प्रॉपरली दिख भी नहीं पाता, रिफ्लेक्शन आता, बट मैट होने के कारण क्या रहा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन जीरो है, और आपको क्लियरली दिख रहा है वहाँ पर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इसी को नॉब को ही काम मिली है, जो भी बड़ा मतलब प्रीमियम सा आता है इसके अंदर। अब हमारे पास 2 बटन और बचते हैं, इसमें ऊपर वाला बटन को हम दबाते हैं एक बार, तो हमको यहाँ पे कंपस आने शो करने लग जाता है। दोबारा दबाते हैं तो वापस से वही इन्फॉर्मेशन, वही सीरीज चालू हो जाती है। तो डायरेक्ट आपको कंपस खोलना हो, इन गाड़ियों के अंदर मैंने देखा क्रेटा के अंदर, या फिर जो भी जिनके अंदर ये पूरी बढ़िया सही वाली MID आती है और यह बढ़िया वाला इन्फोटेनमेंट सिस्टम आता है, इनके अंदर कंपस का उतना ढंग से बताया गया है कि आप कंपस ऑन कर लो, पता नहीं किस तरीके से इस गाड़ी को एडवेंचर टाइप को बनाने की कोशिश की है, क्या किया, बट ये कंपस देते हैं इस गाड़ी के अंदर, और जो दिखने में अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ देखना ना हो सामने तो कंपस दिखते तो भी मज़ा आता है देखने में, गाड़ी लेफ्ट राइट घूमती है तो थोड़ा सा अलग फील रहता है। इसके अंदर ना ट्रिप को रीसेट करने के लिए एक जो बटन दिया हुआ है, अगर आपको रीसेट करना हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखा भी आता है MID के अंदर, जैसे वो लिखा रहा होल्ड ओके टू रीसेट, तो आपको कुछ नहीं करना, ओके जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है वैसे चूज करने के लिए भी काम आता है, और आप इसको दबा कर रहोगे तो वो रीसेट हो जाएगा आपका ट्रिप मीटर, जो कि आप कर सकते हो। अब ये MID
मल्टी इन्फॉर्मेशन वाला सिस्टम है, तो इसके अंदर से गेट खोलोगे आप तो वो भी अपने को शो करता है। जैसे मैं ड्राइवर साइड वाला खोलता हूँ तो प्रॉपरली दिखता है। पीछे वाला आ गया और पूरा से खुलता हुआ पूरा एनिमेशन आता है, देखो बंद होता हुआ पूरा, इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलता है स्मूथ। तो ये सारे गेट खुल रहे हैं, हमारे बूट भी खुलता है तो बूट का भी अलग से बढ़िया पीछे वाला आता है सिस्टम। इसके अलावा अगर आप म्यूजिक चेंज करते हो, जैसे मैं अभी यहाँ पे ट्रैक वाला बटन दबाता हूँ चेंज होने वाला, तो देखना वहाँ पे क्या शो करता है। तो यूएसबी वीडियो चल रहा है, कौन सा वीडियो चल रहा है, रियर ब्रेक वाला वीडियो था हमारे पास में तो वो चल रहा है अभी, तो वो भी आपको शो करता है। जैसे एफएम पे आपने लगा रखा था, एफएम भी शो करेगा कौन सा एफएम चल रहा है। गाना अगर चेंज हुआ यूएसबी से तो वो भी आपको शो करेगा। जैसे अभी यहाँ पे 104.0 चल रहा है तो वहाँ पे वो शो करेगा। अब मैं चेंज कर दूंगा तो वो भी शो करेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, एमआईडी के अंदर चीज़ें होनी चाहिए ताकि ड्राइवर को अपनी मतलब फेस को मोड़ना ही ना पड़े और सामने देखते देखते नीचे देख सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बढ़िया चीज़ है दोस्तों, ये था वीडियो नई वाली क्रेटा की, जो पेट्रोल वेरिएंट के अंदर जो एमआईडी आती है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमको देखने मिलते हैं वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए। कुछ पॉइंट अगर रह गया हो वीडियो के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइए ताकि हमको भी पता पड़े क्या चीज़ रह गई है। और साथ में अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।